अभी बात नहीं आ बेटा बड़े डामगुरुओं से पूछा कि जब कोई नहीं था ना श्री राम थे ना बलराम थे ना शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल ये पैदा होता है मनु पूछते किसको थे। कोई कहता है शिव को पूछते, उनके पास शिव नहीं आए। बहुत कम लोग ये बताते हैं मनु इस दुनिया में कुछ नहीं था, वो ओम को पूछते थे। मैंने कहा ये ओम कौन है, बहुत से लोगों ने बताया कि वो एक हवा है जिसका कोई रंग नहीं आए, जिसका कोई रूप नहीं आए, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है, उन्होंने आसमान बनाया। मैंने कहा इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी और अरबी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि नबी अव्वल ज़मा आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यानी ओम ने इस भारत की सरजमीन में उतार कर उस दीन का आगाज फरमाया। फिर नबियों के नबी, नबियों के सरदार को अरब की सरजमीन में उतार कर उस दीन को मुकम्मल फरमाया। मेरे भाई अल्लाह की हिकमत आई, अगर वो चाहता तो अरब, अगर वो चाहता अमेरिका में उतार देता, अगर वो चाहता अफ्रीका में उतार देता, अगर वो चाहता ऑस्ट्रेलिया में उतार देता, उसकी हिकमत वही जानता है। उसने नबी अव्वल ज़मा को भारत की सरजमीन में उतार कर और नबी आखिर ज़मा को अरब की सरजमीन में उतार कर उस दीन को मुकम्मल फरमा दिया।